हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख ही रहे हो कि हम लोग आज एक बहुत ही डरावने स्थान जिसका नाम है भगवती मठ, जो कि इचाक में स्थित है, वहाँ पे आज आप लोगों को हम व्यू करवाने वाले हैं उस प्लेस को। उस प्लेस में मतलब क्या क्या खास चीज़ें हैं, कैसे मतलब मंदिर वगैरह, पुराने पुराने महल, पुराने तालाब, ये सब आपको हम इस वीडियो में व्यू करवा। बहुत ही दूर से आने के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद भगवती मठ जो प्लेस है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वहाँ पे अभी आप लोगों को हम विजिट करवाएंगे। ये देखिए आगे से कुछ इस टाइप का दिखाई देता है जो भगवती मठ है। काफ़ी डरावना सा फीलिंग आता है। देखिए पेड़ के जो मंदिर है उसके पीछे जस्ट एक पेड़ है जो कि पूरा सूखा हुआ है, जो कि इसे मतलब और ही डरावना बना देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वहाँ पे देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं कुएं के ऊपर, तो उन लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। आइए। देखिए हम लोग YouTube में ब्लॉग बनाते हैं, तो आप लोगों से इस मंदिर के बारे में कुछ कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। इस मंदिर के बारे में क्या क्या जानते हैं? ठीक है ठीक है। बोलन जी शर्मा कह रहा है। तुम बोलो। डुब्बू तुम अच्छा आदमी बोला है। ओ डुब्बू कुमार नाम है आपका। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपका नाम क्या है बताइए। कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ हम लोग शूट नहीं कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब में ऐसे ही हम लोग का सुबह सुबह ब्लॉग जाता है। लोगों ने देखा वहाँ पे जो दो भैया लोग बैठे हुए हैं उन लोगों ने तो कुछ बताया नहीं। हम ही अंदर चल के देखते हैं जो है यहाँ पे। तो आइए मेरे साथ पहुँच करो। तो आप लोग देख ही सकते हो कि भी हाल फिलहाल इस मंदिर का जो है मरम्मत हुआ है, अच्छे से पेंट हुआ है शिवरात्रि के समय, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ का मुख्य मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है ये। और ये जो हमारे पीछे एक दिख रहा है ये भी मंदिर है, लेकिन ये मतलब यहाँ से जो मूर्ति वगैरह था वो उठा के उस वाले मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे मुख्य मंदिर अभी ये है, और अभी आप लोग को आगे का व्यू। हेलो भाई लोग, ये देखिए यहाँ का दूसरा मंदिर है। सभी मंदिरों में अभी ताला बंद है, क्योंकि यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम तो भाई कोई आ नहीं रहा है ना। तो जब यहाँ पे आएंगे पंडित जी ये सब पूजा करने के लिए, तो उस समय गेट यहाँ का खुलेगा। तो अभी आप लोगों को महल दिखाते हैं। हेलो भाई लोग, ये देखिए हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ का तीसरा मंदिर है। और माना जाता है ना कि मतलब हम काफ़ी लोगों से पता किए हैं कि यहाँ पे जो प्राचीन समय में सोने की मूर्तियाँ हुआ करती थी उसी में लोग पूजा करते थे, लेकिन वो चोरी हो चुकी है अभी। तो आइए आप लोगों को अंदर से हम दिखाते हैं इस पूरे मंदिर का। हम लोग भ्रमण करते हैं। ये देखिए काफी डरावना प्लेस है, दिखाई दे ऊपर पर पूरे काफी डरावना प्लेस है। आइए हमारे साथ देखिए यहाँ पे। ये देखिए काफी यहाँ पे झाड़ी वगैरह टूट चुकी है। यहाँ देखिए छत भी टूट के गिर चुका है, आधा छत यहाँ टूट के गिर चुका है पानी पड़ने की वजह से। ये देखिए काफी डरावनी जगह है। यहाँ से देखिए वो तालाब दिखाई देता है जहाँ पे राजा लोग स्नान किया करते थे अपने समय में। समझ रहे हो आप? आइए हमारे ये देखिए इस पूरे मंदिर की हमने परिक्रमा की। अच्छा हमको सिखा रहा है। आपने देखा ही कि बहुत ही डरावनी जगह है, बहुत ही प्राचीन जगह है। आने से थोड़ा डर लगता है, लेकिन आ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं।
लोगों से पता चला है कि यहाँ पे कुछ ही महीनों पहले यहाँ पे मतलब अपने आप कौन से भगवान का मूर्ति प्रकट हुई भाई साहब? कृष्ण भगवान की मूर्ति जो है वो ज़मीन से यहाँ पे प्रकट हुई है। तो वही आप लोगों को हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, उसके बाद हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मूर्ति का एक पार्ट है यहाँ पे ऊपर में रखा हुआ है और यहाँ पे चारों तरफ से मूर्ति को घेर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई किसी तरह का मूर्ति को नुकसान ना हो। तो आप लोग यहाँ पे चारों साइड देख रहे हैं, यहाँ काम जारी है, यहाँ भी मंदिर बन सकते हैं, मंदिर बनने की संभावना है। देखिए वहाँ पे डस्ट गिराया हुआ है और वहाँ पे ईंट गिराए हुए हैं, तो यहाँ पे भी मंदिर बन सकते हैं। मंदिर बनने के यहाँ पे बहुत से संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे और इस वीडियो को शेयर करें। तो धन्यवाद।